जनपद संभल के चंदोसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन SDM और CO को सौंपा। देश में इस समय लॉकडाउन है और सबसे ज्यादा परेशान दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनकी परेशानी को देखते हुए पार्टी हाईकमान के निर्देश पर जनपद संभल के चंदोसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विशाल चौहान ने आज पुलिस क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार सिंह और उप जिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित को खाने के करीब 200 डिब्बे सौंपे। इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विशाल चौहान ने बताया कि पार्टी हाईकमान के निर्देश पर हमने अपने घर वापस लौट रहे उन लोगों के लिए खाने के डिब्बे वितरित किए हैं जो अपने घर को लौट रहे हैं और परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सत्येंद्र सिंह से अभी हमारी अभी लाइन पर रहकर बात हुई है। उन्होंने हम सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि जितने भी हमारे मंडल अध्यक्ष के सेक्टर स्तर के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग जो है भूखों का ध्यान रखें, सभी को घर जा जाकर भोजन उपलब्ध कराएं, किसी की कोई समस्या है तो प्रशासन से बताएं, पार्टी को बताएं। और हमें वहाँ से निर्देश मिला कि हम लगातार इस कार्य में लगेंगे। हम लगभग 200-250 पैकेट पर डे अपने स्तर से डेली जो बांटेंगे गरीब बच्चों में। भैया आप समाज सेवा कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं प्रशासन को और गरीब लोगों को, इसमें क्या कहेंगे आप? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और की ओर से ये किया गया था, क्योंकि बाहर से काफ़ी मजदूर अपने घर वापस लौट रहे हैं तो उनको रास्ते में किसी भी प्रकार की भोजन की समस्या ना हो, इसको लेकर मेरे बड़े भाई हैं मुकेश सोम जी अग्रवाल साहब, सबने निश्चय किया कि इस तरह से हम प्रशासन को कुछ भोजन के पैकेट मुहैया कराएं, ताकि रास्ते में और या इस तरह के गरीब लोग जिन्हें भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उनको भोजन उपलब्ध हो। और हमने अब तय किया है कि रास्ते में आने वाले जो यात्री हैं उनकी संख्या कम हो गई है तो भोजन बना बनाया ना होकर प्रशासन के माध्यम से उनसे जानकारी लेकर कच्चा राशन उनके घर तक पहुँचवाया जाएगा जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।